तो आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। हमें कोई भी काम डिफिनेट टाइम में करना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं पाता है। तो इससे समय पर काम नहीं होने पर आग बबूला हो जाते हैं, तनाव हो जाती है, चिढ़ आ जाती है, और हम लोग समय की कमी के चलते जल्दबाजी में रहते हैं, जिससे मानसिक तनाव गड़बड़ा जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और कई बार तो दुर्घटनाएं हो जाती है। खैर, कुदरत ने किसी को सुंदरता ज़्यादा तो किसी को कम दी, किसी को बुद्धि ज़्यादा तो किसी को कम दी है, लेकिन समय सबको बराबर दिया, फिर भी टाइम मैनेज नहीं होता है। आखिर क्यों? आज मैं आपको तीन ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने टाइम आपकी मुट्ठी में रहेंगे। पहला पॉइंट है समय की लॉग बुक रखें। जिस प्रकार आप पैसों का बजट बनाते हैं, कितने खर्च किए, मार्केट गए, कितना कहाँ खर्च हुआ, उसी प्रकार आप एक दिन का 24 घंटे कहाँ कहाँ लगा रहे हैं वो सभी का रिकॉर्ड एक लॉग बुक में तैयार करें, और सप्ताह में रविवार को बैठकर पूरे रिकॉर्ड को अच्छी तरह से विश्लेषण करें। इससे आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है पता चलेगा और आप उसे सुधार सकते हैं। ऐसे में आपकी बहुत जो बेस्ट टाइम हो रही थी उसे अच्छे कामों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं तो फिर कौन, और अगर अभी नहीं तो फिर कब कीजिएगा। इसलिए शुरू कीजिए अभी लॉग बुक बनाने के लिए। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आर्थिक लक्ष्य। सबसे पहले आप कोई निश्चित लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है आपका सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है, और आप अपने कुल टाइम का ज़्यादा टाइम आप अपने लक्ष्य में इन्वेस्ट करेंगे और आप शायद टाइम का वैल्यू ज़्यादा देंगे। लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं, और परिणाम से आपको सफलता मिलती है, और यह सब लक्ष्य से शुरू होता है। तो अभी ही आप कोई बहुत इम्पोर्टेंट बढ़िया लक्ष्य जो आपको लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, आई कैन डू इट, वैसा लक्ष्य को तैयार कीजिए आप। पॉइंट नंबर 3 में है निश्चित समय पर काम करें। यदि आप निश्चित समय पर निश्चित काम करने की आदत डाल लेते हैं ना, तो उस समय आपका शरीर और मन दोनों ही उस काम को करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आप डेली मॉर्निंग वॉक के लिए 6 बजे उठते हैं, तो शरीर और आपका मन दोनों ही इस कार्य के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ये कम डिफिनिट टाइम में कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं, तो आपको इस समय आलस नहीं आता है। तो आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डालने, इससे आपके जो टाइम बचेगा वो आप किसी अन्य इम्पॉर्टेंट वर्क में इन्वेस्ट कर दोगे, तो आपके टाइम जो है ना वो बहुत बच जाएगा। यदि आप ये तीनों पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा था, कितना टाइम बच रहा है, और इससे आप कोई भी अच्छे से अच्छे वर्क में इन्वेस्ट करके अच्छे काम कर सकते हैं। प्रतिभाशाली व्यक्ति वह है जो अनिवार्य बिंदु को लगातार देखता रहता है और बाकी सबको अनावश्यक मानकर छोड़ देता है। खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल किया जा सकती है, खोया ज्ञान अध्ययन से हासिल किया जा सकता है, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा या संयम से, लेकिन खोया हुआ समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। समय ही एक ऐसा चीज है जो दोबारा लौट कर वापस नहीं आती है। तो दोस्तों, अभी भी आपके पास समय है, और अब ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाइए। जो मैंने ये तीन पॉइंट, तीन रूल बताया हूँ, ये आप अपनी जीवन में ये तीनों रूल को फॉलो कीजिए, तो उसके बाद आपको जो रिजल्ट आएगी बाद में पता चलेगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट थे। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अपने आस पास में अगर लगता है कि टाइम मैनेज वो नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेशन की शिकायत है, तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं।